इसमें क्या क्या डाले हैं आप? इसमें खड़े मसाले में हमारा दालचीनी आ गया, तेज पत्ता आ गया, लौंग आ गया, फिर काली मिर्च आ गई, फिर उसके बाद थोड़े दालचीनी आ गया, और पाउडर में हमारा हल्दी पाउडर आ गया, मीट मसाला आ गया, जीरा पाउडर आ गया, थोड़ा सा धनिया पाउडर आ गया और हल्का सा नमक और मिर्च। अभी बनने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। देखने में तो मस्त लग रहा है। अभी मसाला रेडी हो रहा है, अभी मसाला रेडी हो रहा है, दस उसके मिनट बाद हम लोग मटन डालेंगे इसमें। मटन डालेंगे ना हम लोग? 10 मिनट में मसाला रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग डालेंगे मटन। फिर बनने के बाद हम लोग मटन मसाला बना रहे हैं, तो मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें मटन को डाल रहे हैं। कितना देर तक आप फ्राई कीजिएगा? अभी इसको पकाया जाएगा करीब करीब 20 से 25 मिनट, और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पकाना, इसमें मसाले के साथ घोलना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाले अंदर तक घुसे मटन के। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे और 20-25 मिनट के लिए, उसके बाद 40 मिनट में हमारा मटन रेडी। निकी अभी इसको भुना जा रहा है अच्छे से, इसको पकाया जा रहा है। बहुत टेस्टी लग रहा है ये दिखने से ही, और स्मेल भी मस्त आ रहा है। इसमें हम लोग गोटा लहसुन डाले हैं, ये मटन के टेस्ट को और अच्छा कर देता है और मस्त स्मेल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। देखिए इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब जब पूरी तरह बन जाएगी ये, तो मैं इसका टेस्ट करके बताने वाला हूँ कैसा बना है ये। हम लोग का मटन बन के रेडी हो गया है, हम लोग देखते हैं कैसा बना हुआ है। क्या मस्त स्मेल आ रहा है। अब इसमें हम लोग धनिया का पत्ता डालेंगे थोड़ी देर में। ये रहा धनिया का पत्ता। क्या मस्त इसका कलर आ रहा है।